फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि असेम्ड ऑफ प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में असेम्ड ऑफ प्लस जीरंड का यूज कैसे करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत आसान कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूं कि आपको शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड, असेम्ड ऑफ प्लस जीरंड का यूज हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि गुजरे हुए वक्त में मैंने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से मैं शर्मिंदा हूँ, या गुजरे हुए पल में मैंने कोई ऐसा गलती किया जिस बात को लेकर मैं शर्मिंदा हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आपको अपने लाइफ में कहना होगा कि किसी बात को लेकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तो आप वर्ड असेम्ड ऑफ का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आइए फ्रेंड्स इस बात को एग्जाम्पल में समझें। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है आई एम असेम्ड ऑफ फाइटिंग यू। इस सेंटेंस का मीनिंग है आपसे लड़ाई करने के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, यानी गुजरे हुए वक्त में मैंने आपसे लड़ाई किया तो इस बात को लेकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको अपने लाइफ में कहना होगा कि आपने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से आप बहुत शर्मिंदा हैं, तो आप वर्ड असेम्ड ऑफ प्लस जीरंड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जाम्पल में समझें। आई एम असेम्ड ऑफ स्टीलिंग, मैं चोरी करने के लिए शर्मिंदा हूँ। आई एम असेम्ड ऑफ ड्रिंकिंग, शराब पीने के लिए शर्मिंदा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वे लोग झूठ बोलने के लिए शर्मिंदा हैं, तो आप कहेंगे दे आर असेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि वे लोग पॉकेट मारने के लिए शर्मिंदा हैं, या वे लोग जेब काटने के लिए शर्मिंदा हैं, तो आप कहेंगे दे आर असेम्ड ऑफ पिकिंग द पॉकेट्स। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो ही इज असेम्ड ऑफ चीटिंग, यानी वह धोखा देने के लिए शर्मिंदा है। सी इज असेम्ड ऑफ अब्यूजिंग, तो इसका यह मतलब हुआ कि वह गाली देने के लिए शर्मिंदा है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको अपने लाइफ में कहना होगा कि कोई इंसान किसी बात को लेकर शर्मिंदा है, तो आप ही इज असेम्ड ऑफ, या आई एम असेम्ड ऑफ, या यू आर असेम्ड ऑफ, या दे आर असेम्ड ऑफ के साथ जीरंड का यूज करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे फ्रेंड्स, तो बड़े आसानी से इस तरह के सेंटेंसेस बोल पाएंगे। आइए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये बात शानदार तरीके से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मेरा दोस्त मुझे थप्पड़ मारने के लिए शर्मिंदा है, तो आप कहेंगे माई फ्रेंड इज असेम्ड ऑफ स्लैपिंग मी। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मेरी बहन स्मोकिंग करने के लिए शर्मिंदा है, तो आप कहेंगे My sister is ashamed of smoking. तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने ये सीखा कि जब हमें कहना हो कि कोई इंसान किसी गलती को लेकर या किसी बात को लेकर शर्मिंदा है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को ashamed of प्लस जीरंड की मदद से बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह कंसेप्ट शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, वाकई अगर आपको यह लेसन समझ में आया तो फिर आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दें। अगर लिखा हो सी इज असेम्ड ऑफ स्टीलिंग माई पर्स, तो फ्रेंड्स क्या आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।